द महाराजाज टाइगर हंट्स कॉन्टिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल. विद इन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल. महाराजा के बाघों के शिकार बहुत सफल होते रहे. 10 वर्ष में वह 70 बाघों को मार पाए और फिर एक नई रुकावट ने उनके अभियान को रोक लिया. द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम. हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्ड कंट्रोल और कमिटेड हाराकिरी और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स एलोन. प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की जनसंख्या लुप्त हो गई. कौन जाने बाघों ने परिवार नियोजन अपनाया या अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर ली या फिर बस उस राज्य से भाग गए क्योंकि वे सिर्फ अंग्रेजों के ही हाथों से मारा जाना चाहते थे. वन डे महाराजा सेंट फॉर द दीवान. दीवान साहेब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट That 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलवाया. अपनी बंदूक को आक्रामक रूप से पकड़े हुए उन्होंने पूछा, दीवान साहब, क्या आपको यह बात ज्ञात नहीं है कि मेरी इस बंदूक से अभी भी 30 बाघों का मारा जाना शेष है? बंदूक को shuddering at the sight of the gun, द दीवान क्राइड आउट, योर मेजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर. बंदूक को देखकर कांपता हुआ दीवान चिल्लाया, महाराज महाराज, मैं कोई बाघ नहीं हूँ. विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? कौन मूर्ख तुम्हें बाघ कहेगा? नो, आई एम नॉट अ गन. नहीं, और मैं बंदूक भी नहीं हूँ. यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन दीवान साहेब. I summon you here for a different purpose. I have decided to get married. आप ना तो बाघ हैं और ना ही बंदूक. दीवान साहब, मैंने आपको एक अलग उद्देश्य से ही बुलाया है. मैंने विवाह करने का निश्चय किया है. The दीवान साहब began to babble even more. Your majesty, I have 2 wives already. If I marry you, don't talk nonsense. Why should I marry you? What I want is a tiger. दीवान और भी बड़बड़ाने लगे. महाराज, मेरी पहले से ही 2 पत्नियां हैं. यदि मैं आपसे विवाह करूंगा? बकवास मत करो. मैं तुमसे विवाह क्यों करूंगा? मुझे तो बस एक बाघ चाहिए. Your majesty, please think it over. Your ancestors were married to the sword. If you like, marry the gun. A tiger king is more than enough for the state. It does not need a tiger queen as well. महाराज, कृपया करके एक बार सोच लीजिए. आपके पूर्वजों ने तलवार से विवाह किया था. यदि आप चाहें तो बंदूक से विवाह कर लें. इस राज्य के लिए एक बाघ राजा ही बहुत है. इसके साथ में एक बाघ रानी की अब और आवश्यकता नहीं है. The Maharaja gave a loud crack of laughter. I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. First, you may draw up statistics of tiger populations in the different native states. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. Maharaja ne zordar dhaka lagaya. कहने लगे, मैं किसी बाघ या बंदूक से विवाह करने की नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि एक मनुष्य जाति की लड़की से विवाह करने के बारे में सोच रहा हूँ. पहले आप हमारे देश के अलग अलग राज्यों में बाघों की जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित कर लीजिए, फिर पता लगाइए क्या किसी बड़े बाघ जनसंख्या वाले राज्य की राज्य परिवार में कोई ऐसी लड़की है जिससे मैं विवाह कर सकूं? द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स.
He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. Maharaja Jang Jang Bahadur killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of reception hall in the Pratibandhapuram palace. दीवान साहब ने उनके आदेश का पालन किया। उन्होंने एक बड़ी बाघ जनसंख्या वाले राज्य से यानी कि विवाह योग्य सही लड़की को ढूंढ निकाला। महाराजा जंग जंग बहादुर जब जब अपने ससुराल जाते वहाँ 5 या 6 बाघों को मार देते और इस तरह बच्चों प्रतिबंधपुरम के महल के स्वागत कक्ष की दीवारें 99 बाघों की खालों से सुसज्जित हो गई। इसके साथ ही बच्चों हम यहाँ पर इस कहानी के 4th भाग का अंत करते हैं और अगला भाग हम 5वां अगले वीडियो में करेंगे।